हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं सारडा एनर्जी एंड मिनरल्स के बारे में। इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग है 972.65। आयरन एंड स्टील सेक्टर से बिलोंग करती है, स्मॉल कैप कंपनी है। पीई रेशियो इसका 9.35 है, जो कि बहुत कम है सेक्टर पीई से अगर हम कंपेयर करें तो, जो है 23.45। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल रेवेन्यू, एबिटा, नेट इनकम और ईपीएस अगर हम कंपेयर करते हैं 2018 से और 2021 तक, तो ये यहाँ पे कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हुए ही दिखाई दिए हैं। कंपनी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ईपीएस जो है इसका 56.18 से अभी बढ़कर हो गया है 103.99, और उसी के साथ नेट इनकम भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 72.50% प्रमोटर होल्डिंग है। डोमेस्टिक यहाँ पे 1.78% लेकर चल रहा है, FII 1.56 और रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे 24.17 की हिस्सेदारी लेकर चल रहा है। अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ दिखाई दे रही है, 52 वीक हाई लगाया है कंपनी ने, क्वार्टरली ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और इसी के साथ बुक वैल्यू जो है लास्ट 2 साल से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी का 0 प्रमोटर प्लेंज है। इसी के साथ एफआईआई, एफपीआई और इंस्टीट्यूशन जो है अपनी शेयर होल्डिंग इस स्टॉक में बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे वीकनेस की बात करें तो यहाँ पे डिक्लाइन कैश है, लास्ट 2 साल से पुअर कैश जनरेट कर रही है कंपनी जो कोर बिजनेसेस है उसमें। इसी के साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट और नेट मार्जिन में भी यहाँ पे डिक्लाइन दिखाई दिया है। अगर हम रिटर्न रेशियो की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 16.87 है, पिछले साल से बढ़ गया है। आरओसीई भी पिछले साल से कंपेयर करें तो 15.03 है, जो कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट ईयर से। रिटर्न ऑन असेट यहाँ पे 8.29 हो गए हैं, ये भी इंप्रूव हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ग्रोथ रेशियोज में अगर हम 3 साल के इसका सीएजीआर की बात करें तो यहाँ पे 36.29 है, जो कि पिछले साल के कंपेरिजन में बहुत बढ़ गया है। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट के, तो देखिए इसका डेली चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे ये जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई है, ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। स्टॉक जितनी बार इसके आसपास आता है वहाँ से बहुत ही अच्छा बाउंस देता है। अब यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है और यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन फेज बनाने के बाद अभी रिसेंटली ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जिसकी वैल्यू है 945, इसका रिसेंट ब्रेकआउट आज के दिन में दिया है। मतलब स्टॉक जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो आज के दिन में बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये जो ब्रेकआउट है वो हो गया है। अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो इस स्टॉक में बने रहिएगा, हो सकता है ये ब्रेकआउट के बाद ये फिर से रिटेस्ट करे, क्योंकि ये जो स्टॉक है कंटिन्यूसली यहाँ पे जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ से उसने सपोर्ट देते हुए बहुत ही बड़ा पुलबैक दिया है। कंटिन्यूसली 5 दिन का इसने ग्रीन कैंडल बनाए हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट भी दिखाई दे सकती है। अगर यहाँ पे थोड़ी हल्की गिरावट दिखाई दी तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन थी जो कि है 945 के लेवल्स, यहाँ पे इसका सपोर्ट लेते हुए फिर से ये बाउंस बैक देते हुए अपना जो 52 वीक हाई है ये नया 52 वीक हाई यहाँ पे बनाने के चांसेस दिखाता है। तो आई होप इस वीडियो में जितने भी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की है आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसी बात है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।